हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे MED-002 सस्टेनेबल डेवलपमेंट इश्यूज एंड चैलेंजेस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स पार्ट 3। MED-002 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स के पार्ट 1 और पार्ट 2 में ऑलरेडी मैंने बहुत से क्वेश्चंस आप लोगों को बता दिए हैं विद एक्सप्लेनेशंस। अगर आप चाहें तो उन्हें आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो। और ये पार्ट 3 है जिसमें मैं और भी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बच गए हैं उन्हें कवर करूंगी। MED-002 ये पेपर या सब्जेक्ट उन लोगों के लिए है जो मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस इग्नू यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द इश्यूज दैट नीड टू बी एड्रेस्ड टू ओवरकम द थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिन्हें हमें एड्रेस करना ज़रूरी है ताकि हम बायोडाइवर्सिटी का जो थ्रेट है उससे खुद को बचा सकें। बायोडाइवर्सिटी एक तरह से हमारे अर्थ में जितनी भी बायोलॉजिकल लाइफ मौजूद है उससे रिलेट करती है, और ये बहुत ही ज़्यादा एक नीड है, एक अर्जेंट नीड है कि हम इसे कंजर्व करें। यानी बायोडाइवर्सिटी को जो हमारे प्लैनेट अर्थ में अवेलेबल है उसे हमें कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है, और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का हम सस्टेनेबल वे में यूज़ करें। इसके लिए ज़रूरी है कि हम फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग के ऊपर जोर दें। इस डाइवर्सिटी के ऊपर जो आजकल जो खतरा है वहाँ एक इंटरनेशनल अटेंशन की रिक्वायरमेंट है, जहाँ की सभी गवर्नमेंट्स मिलकर कुछ फैसले करें और इसके लिए कुछ कॉन्क्रीट स्टेप्स ले। यहाँ नीचे दिए हुए कुछ स्टेप्स हैं जिनकी मदद से हम इस डाइवर्सिटी के थ्रेट से ओवरकम कर सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ डिसीसिव एक्शंस लेने की ज़रूरत है ताकि हम इस बायोडाइवर्सिटी को बचा सके। हमें ज़रूरत है कि हम जीन्स, स्पीशीज़ और इकोसिस्टम्स को मेंटेन करके चलें, और हमें इन सभी जगहों पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने की ज़रूरत है। यूनाइटेड नेशंस की जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का जो कॉन्वेंशन है उसे हमें प्रमोट करना चाहिए। हमें कुछ कॉन्क्रीट एक्शंस इस जगह पर लेने की ज़रूरत है जिससे कि फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग हो इन सारे जेनेटिक रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन पर। जो टेक्नोलॉजीज़ है, जो बायोटेक्नोलॉजीज़ है, उनको और एनहेंस करने और उनको प्रॉपर वे में यूटिलाइज़ करने के ऊपर जोर देना चाहिए, और इसके लिए हमें ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर भी ज़ोर देना चाहिए ताकि डेवलपिंग कंट्रीज़ के पास भी ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो सके। हमें नॉलेज को रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसे प्रिजर्व करना चाहिए, उसे और ज़्यादा बिल्डअप करना चाहिए ताकि इनोवेशंस हो और इंडिजीनियस प्रैक्टिसेस को हम लोकल कम्युनिटीज से लेकर अपने लाइफस्टाइल तक फॉलो अप कर सके। क्योंकि जो इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज थी वो सारी बहुत ही ज़्यादा सस्टेनेबल थी, तो हमें इनको भी लेकर चलना चाहिए। हमें बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को और उसके कंजर्वेशन को सपोर्ट करना चाहिए, और उसके सस्टेनेबल यूज़ की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए जिससे कि हमारा नेशनल डेवलपमेंट एक सस्टेनेबल वे में हो सके। कंट्रीज़ के बीच, जैसे कि नॉर्थ साउथ कंट्रीज़ हैं, इनके बीच आपस में कोऑपरेशन डेवलप होना चाहिए जिससे कि ये साथ साथ एक दूसरे को स्ट्रेंथन करे और इनकी कैपेसिटी और भी अच्छी हो जाए और ये लोग सस्टेनेबल वे में जो है डेवलपमेंट करें। और ये सब कुछ करने के लिए हमें बायोडाइवर्सिटी के प्रॉब्लम को ग्लोबली एड्रेस करने की ज़रूरत है, लेकिन इसके लिए जो कदम उठाने हैं वो हमें रीजनल लेवल पर उठाने पड़ेंगे। और हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि इन सारे डेवलपमेंट प्रोसेसेस में जो नॉर्थ की अप्रोचेस होंगी वो साउथ कंट्रीज़ की अप्रोचेस से बिल्कुल अलग होंगी, क्योंकि दोनों के इश्यूज़ अलग होंगे इसलिए उनके जो अप्रोचेस हैं वो भी डिफरेंट होंगे। और हर रीजन के पास अपना एक लोकल नॉलेज भी होता है और अपनी कुछ अलग प्रैक्टिसेस होती हैं जिनके ज़रिए वो लोग बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को सस्टेनेबल वे में यूज़ और कंज़र्व करते हैं।
और यहाँ ये ज़रूरी हो जाता है कि हम इन सारी प्रैक्टिसेस को, इन सारी रीजनल प्रैक्टिसेस को अच्छी तरह से लेजिस्लेट करें, एडमिनिस्ट्रेट करें और इनके ऊपर पॉलिसीज बने और ये सारे यूएन कन्वेंशन को ध्यान में रख कर बनाए जाए और ये नेशनल बेसिस के ऊपर हो। बायोडायवर्सिटी के ऊपर एक नेशनल एक्शन प्लान जब बने तो उसमें इन सभी नीचे दिए गए हुए चीज़ों का होना बहुत ही ज़रूरी है। और वो चीज़ें हैं कैपेसिटी बिल्डिंग, बायोसेफ्टी मेजर्स, बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल्स, बायोडायवर्सिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क, यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज एंड बेनिफिट शेयरिंग एंड लेजिस्लेशन। और ऐसा हो सकता है कि साउदर्न कंट्रीज जो कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं हो कि वो इंडिविजुअली इन सारी जो ऊपर दी गई हुई जो छह बातें हैं इन सभी बातों पर वो अलग अलग करके ध्यान दे सके, ये साउदर्न कंट्रीज के लिए पॉसिबल नहीं है। और यही वजह है कि नॉर्थ और साउथ के कोऑपरेशन या किसी भी तरह के इंटरेक्शन में ये एक गैप रह जाता है और इस गैप को हमें दूर करना ज़रूरी है। और इसे दूर करने के लिए गवर्नमेंट्स को इंटरनेशनल लेवल पर कोऑपरेट करना होगा दूसरी कंट्रीज़ के साथ और इंटरनेशनल बॉडीज़ के साथ, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस या इंटरनेशनल जो एनजीओज होते हैं या दूसरे प्राइवेट सेक्टर और इंस्टीट्यूशन होते हैं जो कि इन सभी कामों में लगे हुए हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए जो प्रोग्राम्स बनाए जाए, जो इम्प्लीमेंट किए जाए प्रोग्राम्स, उनमें कुछ नीचे दी गई अरेंजमेंट्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। और ये अरेंजमेंट्स हैं फाइनेंसिंग एंड कॉस्ट इवेल्यूएशन, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल मीन्स, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। इन तीनों चीज़ों के होने पर ही एक इंटरनेशनल जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर कोई प्रोग्राम्स बनेंगे तो वो सफल हो पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकली एक्सप्लेन द रोल ऑफ एनजीओज इन फर्दरिंग एनवायरमेंटल काउजेज इन इंडिया। तो यहाँ हमें पूछा गया है कि एनवायरमेंटल काउजेज जो इंडिया में हैं उनसे निपटने के लिए एनजीओज के कुछ रोल को एक्सप्लेन करो। तो एनजीओ का फुल फॉर्म होता है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस और ये एनजीओज एक तरह के प्राइवेट वॉलेंटरी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। एनजीओ टर्म का यूज़ सबसे पहले 1953 में यूनाइटेड नेशंस के द्वारा किया गया था और ये उन नॉन स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए किया गया था जो कि यूएन एजेंसीज के साथ इंटरफेस कर रहे थे उस टाइम में, ताकि वो लोग उन्हें सर्व कर सके, उनकी कुछ मदद कर सके उनके कामों में। और आजकल एनजीओ का मतलब होता है कोई भी वॉलंटरी फॉर्मेशन जो कि गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं है, वो गवर्नमेंट से अलग है, वो प्राइवेट है। उनके अंदर वो सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी आती हैं जो कि सोशल मूवमेंट्स का पार्ट होती हैं। वॉलंटियर्स लोग मिलकर एनजीओस को बनाते हैं या फिर ये पेड करियर प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि गरीबों को मदद करने के लिए या फिर किसी पब्लिक पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करने के लिए बनाए जाते हैं। ये इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस कुछ चीज़ों में एक्सपर्ट भी होते हैं, एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस या फिर कैपेबिलिटी होती है इनकी बहुत सारी अलग अलग चीज़ों में, जिसकी वजह से इन्हें सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स का भी हिस्सा माना जाता है। रीसेंट ईयर्स में ये देखा गया है कि एनजीओज ने कुछ नेशनल फेडरेशंस बनाए और उन्होंने कुछ इंटरनेशनल लिंकेजेस भी बनाए, जिसकी वजह से वो नेशनल और इंटरनेशनल अफेयर्स में भी अपनी बात कह पाते हैं। तो एशिया के कुछ इंटरनेशनल एनजीओज हैं ऑक्सफैम, केयर, फोर्ड फाउंडेशन एक्सेट्रा, और ये सभी ज़्यादा करके इन्वायरमेंटल इश्यूज या सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड इश्यूज के ऊपर बात करते हैं। और एशिया की दो सबसे बड़ी एनजीओज हैं सर्वोदय श्रमदान मूवमेंट SSM जो कि 1950 में बनी थी, जिन्हें कि श्रीलंका के AT आर्या रत्ने ने बनाया था, और दूसरी एक एनजीओ का नाम है बांग्लादेश रूरल
एडवांसमेंट कमेटी BRAC ब्रैक, जिसे कि FH आबेद ने बनाया था। तो यहाँ बहुत सारे वॉलंटरी और नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंडिया में, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस में और सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ में और रूरल और अर्बन एरियाज़ में। ऐसे कुछ NGOs हैं या ऐसे कई सारे NGOs हैं जो कि कुछ इंडिविजुअल्स ने महात्मा गांधी के कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम वाले जो आइडियोलॉजी थी उससे इंस्पायर होकर बनाए थे। और रिपोर्ट्स की माने तो NGO के जो 1/4 फाउंडर्स हैं वो गांधी से ही इंस्पायर्ड हैं। और गांधी ने खुद भी NGO बनाया था जिसका नाम था कस्तूरबा गांधी नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट KGNMT। और NGOs ने जो प्रोग्राम्स अंडरटेक किए थे, यानी जो जो प्रोग्राम्स उन्होंने चलाए थे, उनमें से मेनली कुछ हैं जो कि सोशल इम्प्रूवमेंट के लिए चलाए गए थे या फिर इकोनॉमिक, एजुकेशनल, कल्चरल या इन्वायरमेंटल स्टेटस ऑफ ट्रिबल्स या पुअर और जो ऑप्रेस्ड क्लासेस हैं उन लोगों की हेल्प करने के लिए, उन लोगों को बेटर लाइफ प्रोवाइड करने के लिए चलाए गए थे। इसके अलावा उन NGOs के कुछ अपने प्रोग्राम्स भी होते हैं और वो अपनी एक खुद की इम्पॉर्टेंट वैल्यू रखते हैं, जैसे कि वो पब्लिक की बात को गवर्नमेंट तक पहुंचाने का भी एक मीडियम बनते हैं। सरकार जब किसी भी तरह का फंड रेज करती है या कोई भी डेवलपमेंट पॉलिसी, कोई भी न्यू डेवलपमेंट पॉलिसीज बनाती है, उसको लेकर अगर पब्लिक में कोई रोष होता है, गुस्सा होता है, तो वो भी एक्सप्रेस करने का ज़रिया ये NGOs ही बनती हैं। और NGOs के द्वारा लिए गए कुछ बड़े बड़े प्रोग्राम्स यहाँ नीचे बताए गए हैं। इनमें से कुछ हैं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट एंड एनिमल हस्बेंड्री, कॉटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एजुकेशनल प्रोग्राम्स, हेल्थ एंड सैनिटेशन, हाउसिंग, सोशल फॉरेस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पुअर, वेलफेयर सर्विसेज, रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन, कल्चरल प्रोग्राम्स, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बहुत सारी NGOs साइंटिफिक रिसर्च और इनोवेशंस के कामों में भी जुटी हुई है, ताकि वो रूरल डेवलपमेंट के जो सारी प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए वो सस्टेनेबल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करवा पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनइक्विटेबल ग्रोथ, व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ इनइक्वालिटी। इनइक्विटेबल ग्रोथ के मेनली 3 कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट, कैपिटल एक्यूमुलेशन, सेकंड, ग्रोथ इन पॉपुलेशन एंड थर्ड, टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस। कैपिटल एक्यूमुलेशन यानी कि एक छोटे ग्रुप ऑफ पीपल के पास बहुत ज़्यादा पैसा जमा हो जाना। ग्रोथ इन पॉपुलेशन यानी किसी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाना। और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस यानी कि उस कंट्री में टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस कर रही है। अब वो सस्टेनेबल है या नॉन सस्टेनेबल है, इट डिपेंड्स, लेकिन टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ की वजह से भी इनइक्विटेबल ग्रोथ होती है। किसी कंट्री में टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ ज़्यादा हो गई, वो ग्रो कर गई, और कहीं कम टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हुई है तो वो कंट्री कम ग्रो कर पाई है। इस तरह से एक इनइक्वालिटी क्रिएट होती है। इकोनॉमिक ग्रोथ के जो मेजर फाउंडेशंस हैं वो एक इन्वेस्टमेंट की तरह है, जो कि उस कंट्री के एग्जिस्टिंग फिजिकल और ह्यूमन रिसोर्सेज की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं और वहाँ की रिसोर्सेज जो अवेलेबल है उसकी क्वांटिटी को इनक्रीज करते हैं। कुछ कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ कर गई हैं, जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज़ जो नॉर्दर्न कंट्रीज़ हैं, और वहीं कुछ कंट्रीज़ वो अभी बहुत ज़्यादा कम ग्रो कर पाई है इकोनॉमिक ग्रोथ उनकी अगर हम देखें तो। ऐसी कंट्रीज़ है डेवलपिंग कंट्रीज़ या साउदर्न कंट्रीज़। तो ग्लोबल लेवल पर हम इस इनइक्वालिटी को
अक्सर एक टर्म से जानते हैं जिसे कि हम कहते हैं इकोनॉमिक डिवाइड बिटवीन कंट्रीज ऑफ इंडस्ट्रियलाइज्ड और डेवलप्ड नॉर्थ एंड डेवलपिंग साउथ, यानी नॉर्थ डेवलप्ड कंट्रीज और साउथ डेवलपिंग कंट्रीज के बीच की इकोनॉमिक डिवाइड। और साउदर्न कंट्रीज अक्सर इन नॉर्दर्न डेवलप्ड कंट्रीज को ब्लेम करती हैं कि ये सारे डेवलप्ड कंट्रीज इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, अपनी तरह से चलाते हैं, ताकि वो अपनी पॉलिसीज ऐसे बनाएं जिससे कि उन कंट्रीज को फ़ायदा पहुंचे। तो यहाँ हमने इनइक्विटेबल ग्रोथ के इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिया। अब आगे है इंडिकेटर्स ऑफ इनइक्वालिटी। एक सबसे बड़ा जो फेलियर था डेवलपिंग नेशंस का 1950s और 1960s में इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर, वो ये था कि उन लोगों के पास वो एबिलिटी नहीं थी कि वो अपने सर्कमस्टेंसेस, जो उनकी परिस्थिति है, उन लोगों के पास उतनी एक्सपीरियंस नहीं थी जितने कि वेस्टर्न कंट्रीज़ के पास थी, और वो खुद को उतना अडेप्ट भी नहीं कर पा रहे थे जैसा कि वेस्ट में वो लोग कर चुके थे अपने आप को अडेप्ट। और ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ की जो ग्रोथ एक्सपीरियंसेस है, वो डेवलपिंग कंट्रीज़ में क्यों नहीं फैल पाई, इसके कुछ रीजंस थे। और वो रीज़न ये थे कि वो लेस फेवरेबल थी डेवलपिंग कंट्रीज़ के इनिशियल इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल कंडीशंस के लिए, जो कि वर्ल्ड वॉर के बाद की जो कंट्रीज़ की जो कंडीशन उस टाइम में थी, उस कंडीशन में वो लोग डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरह जो एक्सपीरियंस थे उसको अपने कंट्रीज़ पे लागू नहीं कर पा रहे थे। और जो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस थी जो कि इनके ग्रोथ पैटर्न के इतने ज़्यादा डाइवर्सिटी को क्रिएट कर रही थी इन दो तरह की कंट्रीज़ में, उसके लिए कुछ फैक्टर्स थे जो कि रिस्पॉन्सिबल थे। और वो फैक्टर्स कुछ इस तरह से हैं। नंबर वन है फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्स एंडोमेंट्स, एंडोड यानी संपन्न। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ में नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलप्ड कंट्रीज़ की तुलना में ज़्यादा थी, लेकिन फिर भी वो लोग डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरह तरक्की नहीं कर पाए, क्योंकि उन लोगों के पास इतनी नॉलेज नहीं थी कि वो लोग इन नेचुरल रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करें। तो लैक ऑफ मेथड्स और टेक्नोलॉजी की वजह से इन डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक्सप्लोइटेशन ये डेवलप्ड कंट्रीज़ करते रहे, जैसा कि हम लैटिन अमेरिका और अफ्रीका के कुछ पार्ट्स में देख सकते हैं, जहाँ की बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेस थे, लेकिन जो पावरफुल डेवलप्ड कंट्रीज़ थी उन्होंने वहाँ मल्टीनेशनल्स या MNCs के ज़रिए इन सारे रिसोर्सेस को यूटिलाइज़ किया। मीन्स ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के सारे नेचुरल रिसोर्सेज का बेनिफिट ये डेवलप्ड कंट्रीज़ ले गए। और यहाँ ह्यूमन रिसोर्सेज तो थे, लेकिन स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं थे। यानी डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा लोग रहते थे, लेकिन वो स्किल्ड नहीं थे, जिसकी वजह से वो लोग अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को भी यूटिलाइज़ नहीं कर पाए। यहाँ की पॉपुलेशन डेवलपिंग कंट्रीज़ की पॉपुलेशन लेस एजुकेटेड, लेस ट्रेंड, इनएक्सपीरियंस्ड थी, और वहीं ये डेवलप्ड नेशंस की जो पॉपुलेशंस थी वो इसके उलट थी, वो ज़्यादा एजुकेटेड थी, ट्रेंड थी और एक्सपीरियंस्ड भी थी। और इनके बीच टेक्नोलॉजी गैप भी था। दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी गैप को, फिजिकल ऑब्जेक्ट गैप इन्वॉल्विंग फैक्ट्रीज, roads, etc. and an idea gap that includes knowledge about marketing, distribution, inventory control, etc. Second factor hai relative levels of per capita income and gross national product GNP. Developing countries mein per capita income bhi bahut hi zyada kam thi, jabki industrialized developed countries mein ye per capita income बहुत ज़्यादा थी। और ऐसा शायद इसीलिए था क्योंकि उस टाइम में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बहुत ही कम हो रहा था, और एग्रीकल्चरल लैंड का जो सप्लाई था वो भी बहुत ही कम था डेवलपिंग कंट्रीज़ में। थर्ड फैक्टर है क्लाइमेटिक डिफरेंसेस। ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज़
ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक जोन के अंदर आते हैं, जिसका मतलब है कि वहाँ बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस हैं, और वहीं ये डेवलप्ड कंट्रीज़ टेम्परेट जोन के अंदर आते हैं, और इसी वजह से डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जिसकी की वजह से वहाँ का जो सॉइल क्वालिटी है वो थोड़ा ख़राब हो जाता है और सामान भी जल्दी जल्दी ख़राब हो जाते हैं, और जानवरों की हेल्थ पर भी इसका असर पड़ता है, और यहाँ तक कि जो वर्कर्स जो काम करते हैं उनकी भी हेल्थ कमज़ोर हो जाती है। ये एक दूसरा रीज़न हो सकता है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ ज़्यादा तरक्की कर पाए हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ की तुलना में। फोर्थ फैक्टर है पॉपुलेशन साइज डिस्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ। शुरुआती ग्रोथ के सालों में या उससे पहले के सालों में डेवलप्ड कंट्रीज़ में हमने देखा कि एक बहुत ही धीमा यानी स्लो राइज इन पॉपुलेशन ग्रोथ, वहाँ बहुत ही धीमी गति से पॉपुलेशन ग्रो कर रही थी, और जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है आगे बढ़ी, वहाँ डेथ रेट कम हो गई और बर्थ रेट थोड़ी सी बढ़ गई, और इसी के ही साथ उनके जो इनकम थी वो भी रेज हुई, यानी उनका इनकम भी बढ़ा, और इन कंट्रीज़ ने कभी भी अपने पॉपुलेशन ग्रोथ का 2% पर एनम ग्रोथ से ज़्यादा कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। मीन्स इन कंट्रीज़ में साल में पॉपुलेशन ग्रोथ सिर्फ 2% होती है, इसके उलट डेवलपिंग कंट्रीज़ में हर साल 2.2% की रेट से पॉपुलेशन ग्रोथ करती रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एग्रीकल्चरल लैंड की भी कमी हो जाती है और पर कैपिटा इनकम भी डिक्रीज़ हो जाता है। और इसी तरह से हम देखते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में जितनी उसकी पॉपुलेशन है उसकी तुलना में लैंड एरिया उनके पास बहुत ही कम है, जबकि डेवलप्ड कंट्रीज़ में इसके उलट है, वहाँ पॉपुलेशन उतनी नहीं है जितना ज़्यादा लैंड एरिया उनके पास अवेलेबल है। फिफ्थ फैक्टर है इकोनॉमिक पॉलिसी। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ और जो इसके लिए जो मेज़र्स लिए जाते हैं वो कई तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं ग्रोथ रेट, ग्रोथ के पैटर्न और उसके डायरेक्शन को, क्योंकि इसी में ही तय किया जाता है कि उनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर कैसा होने वाला है। इसके अलावा वो लोग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के ऊपर क्या चॉइसेस रखने वाले हैं, और यही हमें ध्यान देने की ज़रूरत है कि कैसे डेवलप्ड कंट्रीज़ की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ से अलग होती हैं। इसी वजह से इनवर्ड ओरिएंटेड जो ट्रेड पॉलिसीज़ होती हैं वो आउटपुट मार्केट को बढ़ाती हैं, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो आज़ादी के बाद से ही इंडियन गवर्नमेंट ने इकोनॉमिक नेशनलिज्म, सेल्फ रिलायंस के ऊपर ज़्यादा जोर दिया है, बजाय इसके कि वो ग्लोबल इकोनॉमी के साथ कनेक्शन डेवलप करें, जिसकी वजह से कि हमने देखा 1980s तक के 3 दशक तक 1.5% पर एनम जीडीपी में ग्रोथ देखने को मिला। 1991 से जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में चेंजेस आए और जो उसके नतीजे हुए हैं वो कुछ इस तरह से हैं। इसके बाद की पॉलिसीज़ में हमने देखा कि इम्पोर्ट्स के ऊपर थोड़े रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए और एक्सपोर्ट को थोड़ा ज़्यादा बढ़ावा दिया गया। इंटरनेशनल कंपटीशन से खुद को दूर रखने का जो निर्णय था उसके वजह से इंडिया इंटरनेशनल कंपटीशन से बच पाई या इंटरनेशनल कंपटीशन को अनदेखा कर पाई, और हमने देखा कि टेक्नोलॉजी गैप जो कि इंटरनेशनली कॉम्पिटिटिव इकोनॉमिक्स में अवेलेबल था, जो टेक्नोलॉजी और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास जो टेक्नोलॉजीज थी, उन टेक्नोलॉजीज से इंडिया के पास जो प्रेजेंट थी टेक्नोलॉजी वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी, यानी उनके बीच बहुत ज़्यादा गैप था।